Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। दोस्तों, ड्रोन चलाने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आपके पास ड्रोन्स हैं या फिर आप ड्रोन खरीदना चाहते थे लेकिन आपके अंदर शायद ये डर था कि ड्रोन चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि इफेक्टिव 1 दिसंबर आप ड्रोन्स चला पाएंगे। लेकिन आपको वो करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन देना पड़ेगा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पूरा प्रोसेस क्या है, कौन ड्रोन चला पाएगा, कहां से वो सर्टिफिकेट को लेना है, कितनी फीस पे करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पे ड्रोन्स दो कैटेगरी के होंगे, एक होगा नैनो ड्रोन्स और एक होगा माइक्रो ड्रोन्स। अब नैनो ड्रोन्स वो होंगे 250 ग्राम्स के नीचे वेट वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 250 ग्राम्स के ऊपर है जिसको कहते हैं माइक्रो ड्रोन्स, उसका रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा dgca.nic.in। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने की फीस होगी ₹1000 फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर फ्रेश अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट, तो आपको लग जाएंगे ₹25,000। और अगर आपको उसको रिन्यू करना है तो आपको लग जाएंगे ₹10,000। और दोस्तों, पेमेंट आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि पेमेंट कैसे करना है, सब कुछ ऑनलाइन ही है। आज के जमाने में आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये एक अच्छी बात है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ेगी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना ड्रोन। तो सबसे पहले चाहिए होगा आपका एड्रेस प्रूफ, दूसरी चीज आपको चाहिए होगी परमिट फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द टेलीकॉम। और ये मिलने के बाद आपको सबमिट करने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, और फिर आपको मिलेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलेगा, वो नंबर आपको फायर प्लेट में लगाना पड़ेगा, और वो फायर प्लेट जो है आपको अपने ड्रोन में लगानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा आपको एक्टिव काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से वीडियो बनाए, बहुत सिनेमेटिक वीडियोस बनाना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर कोई भी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे आपको ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि आप कहाँ पे ड्रोन्स चला पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जोन आपको बताए जाएंगे जहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ड्रोन्स उड़ाने से पहले। पहला वाला आता है रेड जोन, जहां पे ड्रोन्स उड़ाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो वहां पे अगर आप ड्रोन उड़ाने की कोशिश करेंगे तो ड्रोन तो जाएगा ही, ऊपर से आपके ऊपर लीगल इश्यू भी हो सकता है। तो रेड जोन पे आपको ड्रोन्स नहीं उड़ाना है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आता है येलो स्पेस। अब यहाँ पे आप ड्रोन्स उड़ा सकते हैं लेकिन आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उड़ाने से पहले, येलो जोन में। और तीसरा आता है दोस्तों यहाँ पे ग्रीन जोन। यहाँ पे आपको परमिशन लेने की, फिजिकली कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उड़ाने से पहले अपने ऐप के थ्रू वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पर ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो वहां पर ही रिजेक्ट हो जाएगा जब भी आप ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ड्रोन उड़ेगा नहीं, उड़ेगा जरूर, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो ही आपके ऊपर लीगल इश्यू हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे और भी बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां पे आप ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते हैं, जिसके आसपास शायद आपको नो ड्रोन जोन लिखा हुआ ना दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट्स, आप एयरपोर्ट्स के आसपास कहीं पर भी ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते, ऐसी कोशिश करिएगा भी मत। इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास भी आप ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते, बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। विजय चौक इन दिल्ली, स्पेसिफिकली विजय चौक इन दिल्ली यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। स्टेट सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स इन ऑल द स्टेट्स, जहां पर भी स्टेट सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स है उसके आसपास भी आप नहीं उड़ा सकते। और ऐसी जगह जो मिलिट्री और नेवी या एयरफोर्स कहती है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, जहां पे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस या स्ट्रेटेजिक काम होता है, उसके आसपास भी आप ड्रोन्स को नहीं उड़ा सकते। तो कहाँ उड़ा सकते हैं, सवाल अच्छा है, कहाँ उड़ा सकते हैं, आपको अपने ऐप में चेक करना पड़ेगा। जहां पर भी अलाउ होगा वहां पे आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, अगर अलाउड है तो आपको वहां पे ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाएगा, आप वहां पे बिंदास ड्रोन्स अपने उड़ा सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये रूल था कि आपको डे टाइम ही ड्रोन्स उड़ाना है और अप टू 400 फीट आप ड्रोन्स जो है वो उड़ा सकते थे, लेकिन ये आने के बाद मे बी आप ज्यादा उड़ा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कितनी हाइट तक उड़ा सकते हैं, लेकिन 400 फीट मान के चलिए और डे टाइम ही मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत खतरा है। तो दोस्तों, ये था ड्रोन पॉलिसी 1.0। तो 2.0 भी आने वाला है। तो 2.0 में बेसिकली होगा क्या कि अगर आप ऑफ द साइड ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो कैसे उड़ाएंगे उसके बारे में पॉलिसी होगी।
ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनेगी वो वहां पे होगी, मतलब आपको कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ मटेरियल है वो ड्रोन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है तो वो 2.0 पॉलिसी में होगी। बेसिकली जो बिजनेस पर्पस कमर्शियल पर्पस के लिए जो ड्रोन्स यूज होंगे उसके बारे में 2.0 में लिखा जाएगा। तो 1.0 में फिलहाल इतना ही लिखा हुआ है दोस्तों। ज्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं dgca.nic.in, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के वीडियो में ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता था, इसलिए ये मैंने सोचा चलिए मैं शेयर करता हूँ एट द अर्लीस्ट। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उन दोस्तों को रिक्वेस्ट है जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस चैनल में, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा, ऐसा कोई पैसा नहीं लगता है ऐसे क्लिक करने पे, और वो बेल बटन को भी दबाइएगा क्योंकि इससे आपको अपडेट्स, मेरे वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। So that's it guys, thank you, take care, God bless you all, bye bye.